हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुहालाल सहायक आचार्य श्री एस एन गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़। कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने वाचन कौशल पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको वाचन कौशल के दो प्रकार बताए थे, सस्वर वाचन व मौन वाचन, जिसमें मैंने आपको सस्वर वाचन को विस्तार से पढ़ाया था कि सस्वर वाचन क्या होता है, सस्वर वाचन के कौन कौन से प्रकार हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्यक्तिक वाचन व सामूहिक व संवेत वाचन। सस्वर वाचन के इन सभी प्रकारों के बारे में बताया था। इसके बाद सस्वर वाचन का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में करवाया जाता है, उच्च कक्षाओं के लिए सस्वर वाचन का प्रयोग नहीं करवाया जाता है। इसके बाद सस्वर वाचन के मुख्य उद्देश्य, सस्वर वाचन का महत्व, सस्वर वाचन में दोष और इन दोषों का निराकरण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था। अब आज के वीडियो में वाचन कौशल का जो दूसरा प्रकार है मौन वाचन, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा कि मौन वाचन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए कराया जाता है, प्राथमिक कक्षाओं में मौन वाचन का अभ्यास नहीं कराया जाना चाहिए, और इसके उद्देश्य, महत्व, और अंत में सस्वर व मौन वाचन दोनों में क्या मुख्य अंतर है, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन से क्या अभिप्राय है। तो किसी लिखित या प्रकाशित भाषा को बिना किसी ध्वनि या आवाज़ के जब एक वाचक पढ़ता है तो वह मौन वाचन कहलाता है। आगे हम मौन वाचन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। मौन वाचन के दो प्रकार हैं, एक गंभीर मौन वाचन और दूसरा त्वरित या द्रुत मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन वह वाचन है जिस वाचन में विषय वस्तु को गहराई से समझकर उसकी महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए किया जाता है, ऐसा वाचन गंभीर मौन वाचन कहलाता है। दूसरा त्वरित या द्रुत मौन वाचन, इस वाचन में विषय वस्तु के कथन को जानने व मनोरंजन प्राप्त करने के लिए जो वाचन होता है उसे त्वरित या द्रुत मौन वाचन कहा जाता है। इस वाचन के अंतर्गत बच्चों में स्वाध्याय की आदत का विकास आसानी से होता है। आगे मौन वाचन के मुख्य उद्देश्य, तो मौन वाचन के मुख्य उद्देश्यों में छात्रों को मौन पाठ का अभ्यास कराना, जिससे वे कम से कम समय में अधिक से अधिक सामग्री को याद कर सकें। इसके अलावा छात्रों के शब्दकोश का विकास करना व सक्रिय शब्दकोश में परिवर्तित करना, जिससे बालक अपना ध्यान विषय वस्तु पर आसानी से केंद्रित कर सकता है। इसके अलावा बालकों की मनन या चिंतन शक्ति मौन वाचन से विकसित होती है, छात्रों की बोध शक्ति विकसित होती है और वे पढ़े गए विषय को आसानी से याद कर सकते हैं। मौन वाचन से छात्रों में अधिक से अधिक साहित्यिक रुचि उत्पन्न होती है और मौन वाचन के दौरान यात्रा में एक व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग आसानी से कर सकता है। और अंतिम मौन वाचन का जो महत्व है वह पाठ्य वस्तु के मूल भाव को पहचानने की शक्ति का विकास भी मौन वाचन से आसानी से होता है। ये सब मौन वाचन के उद्देश्य थे। नेक्स्ट हम मौन वाचन का महत्व पढ़ते हैं। तो महत्व के रूप में हम कह सकते हैं कि मौन वाचन से बालक पढ़ने के साथ साथ अपने विषय को आसानी से याद कर लेता है और मौन वाचन के अभ्यस्त हो जाने पर छात्रों को गृह कार्य देने में सरलता हो जाती है और छात्रों में पुस्तक पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है और वे अपने अवकाश के समय का सदुपयोग आसानी से कर लेते हैं। और मौन वाचन के द्वारा बच्चों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। मौन वाचन से ही बालकों को चिंतनशील बनाया जा सकता है तथा उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। मौन वाचन से बालकों को किसी लिखित भाग के विचारों को गहराई से समझने में सहायता मिल जाती है। और अंत में मौन वाचन से ही बालक अपनी क्षमता के अनुसार कितना ही अधिक पढ़ सकता है
और मौन वाचन में मस्तिष्क पर बहुत ही कमजोर पड़ता है। ये सब मौन वाचन के महत्व के रूप में सब बातें थी। और अंत में हम सहस्वर वाचन व मौन वाचन में क्या मुख्य अंतर है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सहस्वर वाचन भाषा शिक्षण में मौन वाचन की प्रथम सीढ़ी होती है, जबकि मौन वाचन भाषा शिक्षण में सहस्वर वाचन सीखने के बाद ही शुरू होता है। सहस्वर वाचन शब्दों का उच्चारण, समुचित आवाज़ और उसका उतार चढ़ाव के साथ दूसरों के समान भावों का प्रस्तुतिकरण होता है, जबकि दूसरी तरफ मौन वाचन मन ही मन में बिना किसी प्रकार की उच्चारण ध्वनि के ध्यानपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन मौन वाचन होता है। इसके अलावा सहस्वर वाचन व्यक्ति इंडिविजुअल होता है और सामूहिक भी, जबकि मौन वाचन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। सहस्वर वाचन प्राथमिक या पूर्व प्राथमिक तक ही उपयुक्त है, जबकि मौन वाचन उच्च कक्षाओं के अध्ययन में उपयोगी रहता है। नेक्स्ट, सहस्वर वाचन में शरीर की सभी वाक इंद्रियां कार्य करती हैं, जबकि मौन वाचन में वाणी, जीभ और होठ आदि वाक इंद्रियों का सहारा नहीं लिया जाता है। सहस्वर वाचन कक्षा में कई प्रकार से कराया जाता है, जैसे आदर्श वाचन के रूप में, अनुकरण वाचन के रूप में और सामूहिक वाचन के रूप में, जबकि दूसरी तरफ मौन वाचन है वो कक्षा अध्ययन के समय मौन पाठ के रूप में ही कराया जाता है। सहस्वर वाचन में उच्चारण व वाचन संबंधी अशुद्धियाँ आसानी से देखी या जांची जा सकती हैं, जबकि मौन वाचन में उच्चारण व वाचन संबंधी अशुद्धियों को जांचना बहुत ही कठिन रहता है। इसके अलावा पाठ कराने से बालक की झिझक दूर हो जाती है सहस्वर वाचन के दौरान, जबकि दूसरी तरफ मौन वाचन के दौरान बालक की अध्ययनरत रहने की प्रवृत्ति के साथ विचार शक्ति का विकास आसानी से होता है। और अंत में दोनों में जो मुख्य अंतर है वह है कि सहस्वर वाचन में समय अधिक लगने के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, जबकि मौन वाचन में कम समय में अधिक वस्तु बालक आसानी से ग्रहण कर सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम वाचन की जो प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं इन शिक्षण विधियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।